हाई एवरी वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली हम एक्सक्रीशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक चले थे एक्सक्रीशन के उनके रेस्पेक्ट में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करेंगे मेनली uh, जो मैमल्स हैं मैमल्स एंड बर्ड्स इनके अंदर ये सीक्रेट करते हैं हाइपो हाइपरटोनिक यूरिन को जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं ये हाइपोटोनिक यूरिन को सीक्रेट करते हैं तो जो ये एबिलिटी है मैमल्स की और बर्ड्स की हाइपरटोनिक यूरिन को सीक्रेट करने की ये है ड्यू टू तो काउंटर करंट मकैनिज़म इन देर किडनी कि जो मेन लैंड वर्टिब्रेट्स हैं लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए मेनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर कि वो वाटर को कंजर्व कर सके उसके लिए वो कंसनट्रेटिड यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करेंगे और जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन है कि यूरिन है उसकी हाइपटोनिक नेचर हो वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से काउंटर करेंट मैकेनिज़्म की वजह से तो जो हमारी किडनीज हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल है अपने काम में कि भाई जैसे ओस्मो रेगुलेशन की भी हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूड है ऑलमोस्ट वो स्टेबल रहेगा कि कॉन्स्टेंट उसकी अमाउंट रहेगी और ये कॉन्स्टेंट अमाउंट किस वजह से रहती है ये है ड्यू टू एबिलिटी ऑफ किडनी किडनी की एबिलिटी की वजह से ही ये जो कांस्टेंट अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड की ये स्टेबल रहेगी कैसे रहेगी कि जैसे हम क्या कर लें कि ज़्यादा फ्लूड को इंटेक कर लें ज़्यादा फ्लूड हम हमारी बॉडी में कंज्यूम कर लें तो ये फ्लूड क्या होगा बॉडी से बाहर निकाला जाएगा यूरिन की फॉर्म में और यूरिन कैसा होगा उस टाइम पे हाइपोटोनिक मतलब ए को सीक्रेट नहीं किया जाएगा और रिअबजॉर्बशन ऑफ वाटर नहीं होगा जिसकी वजह से यूरिन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जो फ्लूड होगा एक्सेस ऑफ फ्लूड होगा वो हमारी बॉडी से क्या कर लिया जाएगा बाहर निकाल दिया जाएगा अगर हम फ्लूड का इंटेक नहीं करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा ए को सीक्रेट किया जाएगा और जो यूरिन है वो यूरिन कैसा होगा हाइपर टोनिक यूरिन होगा तो जो बॉडी फ्लूड की जो स्टेबिलिटी है उसे किडनी मेंटेन करेगी कि जो एक्सेस ऑफ फ्लूड है उसे बॉडी से बाहर निकाल देगी और जो कम अमाउंट में फ्लूड है अगर जो ब्लड है उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है ब्लड की कंपोजिशन कम हो गई है तो यूरिन कैसा होगा हाइपोटोनिक होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा एडीएच सीक्रेट किया जाएगा जिसकी वजह से वाटर फिर से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी का लेटर पार्ट क्या करेगा रीअबॉर्ब करेगा वाटर को तो जो होम्योस्ट्रेसिस है वो मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी के अंदर जो ये कंसनट्रेट यूरिन है कंसनट्रेट यूरिन की फॉर्मेशन के लिए मेनली टू रिक्वायरमेंट होंगी वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक हाई लेवल में ए डी एच हॉर्मोन होना चाहिए जो कि क्या करता है कि डिस्टल ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट को वाटर के लिए परमिएबल बनाएगा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रीनल मेडुलरी इंटस्ट्रीशियल फ्लूड है रीनल मेडुलरी इंटस्टिशल फ्लूड है उसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए हाई ओस्मोलेरिटी होनी चाहिए जैसे अभी हम बात करते हैं कि जैसे ये है किडनी तो किडनी के अंदर जो ये आउटर पार्ट है ये तो है कोर्टेक्स और जो ये इनर रीजन है ये है मेडुला तो इसके अंदर अगर हम जो ओस्मोलैरिटी है वर्टिकल ओस्मोटिक ग्रेडियंट की बात करें तो वो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड इस तरीके से वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है रीनल मेडुला के अंदर वो मेंटेन किया जाएगा ये जितनी भी वैल्यूज है ये सारी किस्में हैं मिली ओस्मोल के अंदर है जो ओस्मोलैरिटी है इंटस्ट्रेशियल फ्लूड की थ्रू रीनल कोटेक्स वो कैसी है आइसोटोनिक है कितनी थ्री हंड्रेड मिली ओस्मोल बट जो ओस्मोलैरिटी है इंटस्टिशियल इन रिनल मेडुला वो इंक्रीज होगी धीरे धीरे और वो 300 से 400 400 से 600 600 से 900 और 900 से वो फिर कितनी जाएगी बारह 1200 मिली ओस्मोल होगी एट द जंक्शन विद द रीनल पेल्विस ये रीनल पेल्विस के जंक्शन पे इसकी ओस्मोलरिटी यहाँ तक 1200 बढ़ गई है जो ये वर्टिकल ओस्मोटिक ग्रेडियंट है ये यूनिकली मेंटेन रहेगा इंटस्टिशियल फ्लूड ऑफ ओफ, मेडुला ऑफिच किडनी के अंदर जो कंसनट्रेशन है इंटस्टिशल फ्लूड की वो जब हम कोर्टिक कोर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन की ओर जाते हैं तो ये प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे इंक्रीज होता है फ्रॉम द कोर्टिकल बाउंड्री डाउन ट्रू द डेप्थ ऑफ द रिनल मेड्यूलर कब तक जब तक ये मैक्सिमम 1200 सौ मिली ओस्मोल की वैल्यू तक ना पहुंच जाए ठीक है फिर जो ये ओस्मोटिक ग्रेडियंट है ये बनता क्यों है अगर इसकी बात करें तो ये बनता है एक प्रोसेस की वजह से जिस प्रोसेस का क्या नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये स्पेशली डिपेंड करता है एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ दो चीज़ों की एनाटॉमिकल अरेंजमेंट एक तो लूप ऑफ हैं और एक वासा रेक्टा दो चीज़ों के ऊपर इन दोनों क्योंकि ये कैसे है कि ये दो लिम में चलते हैं एक तो इनकी डिसेंडिंग लिम चलेगी एक इनकी असेंडिंग लिम चलेगी तो जो दोनों लिम्स हैं इन दोनों लिम्स के अंदर डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग जो फ्लूड है एक बार नीचे की ओर आएगा एक बार फ्लूड ऊपर की ओर जाएगा जो वासा रेक्टा है ये ईफ्रेंट आर्टियोल से अराइज होगी जैसे कि इस तरीके से हमने बोमेन कैप्सूल बनाया बोमेन कैप्सूल से ये पीसीटी फिर लूप ऑफ है और फिर ये डीसीटी। तो जो वासा रेक्टा है वो यहाँ जो ये एफ्रेंट आर्टल और ये ग्लोमेरुलस था इस ग्लोमेरुलस से क्या राइज़ होता है ईफ्रेंट आर्टरी तो यहाँ से जो ये ईफ्रेंट आर्टरी है आर्ट्री है यहाँ से क्या राइज़ होगा वासा रेक्टा और वासा रेक्टा के अंदर मेनली क्या है ब्लड है ये इस तरीके से ऐसे निकलता है तो जो ये दोनों लिम्ब है आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा और जो ये दो लिम्ब है ऑफ फैन की इनके अंदर जो फिल्ट्रेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव करेगा तो जो ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर ट्वेंटी फाइव परसेंट नेफ्रोन है वो कैसे है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन है बाकी सेवेंटी फाइव परसेंट कैसे है कोर्टिकल नेफ्रोन है मतलब जिन नेफ्रोन की डेप्थ है वो मेडुलरी रीजन तक जाती है डीप मेडुला तक जाती है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है और जो ऊपर ऊपर रह गई सिर्फ कोर्टिकल रीजन में जो काउंटर करंट मैकेनिज़म में इन्वॉल्व नहीं है वो सेवेंटी फाइव परसेंट है ठीक है जो ये दोनों लूप के अंदर चाहे लूप ऑफ हैं के अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप में और जो वासा रेक्टा है दोनों के अंदर जो आ, फ्लूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट काउंटर करंट बोलते हैं काउंटर करंट फिसिस में भी होता है कि जैसे जो फिश के गिल्स हैं फिश के गिल्स के ऊपर जैसे ये फिश का गिल है इसके ऊपर ब्लड फ्लो करता है जो ब्लड है वो यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट है बहुत कम और यहाँ पर होती है मैक्सिमम क्यों क्योंकि इस अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फ्लो करता है वाटर तो वाटर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट है मैक्सिमम और यहाँ है मिनिमम तो जो एक काउंटर करेंट मैकेनिज्म है एक तरीके से ये फिजिस के अंदर क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने की एक तरीका है जैसे कि भाई यहाँ पर अगर मैं 50 आ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50 है तो और यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ये 50 से 40 30 20 और 10 यहाँ पर मिनिमम है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पर कम है वो धीरे-धीरे 20 30 40 50 इस तरीके से बढ़ रहा है तो जो अपोजिट ग्रेडियंट है वो अपोजिट ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा यहाँ पर ट्वें ट्वन्ट, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फिफ्टी है इस इस वाले में ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ पर पूरी जो ये सरफेस एरिया है इस पूरे सरफेस एरिया के थ्रू मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो सके ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो सके उसके लिए ये जो दोनों है एक तो ब्लड वेसल है और दूसरी वॉटर की वेसल है इन दोनों जो वाटर का फ्लो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के काउंटर करंट चलेंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या कर सके अपने अंदर डिफ्यूज कर सके वैसे ही इसमें कि ब्लड की अगर हम बात करें अगर ये क्या है ये है वासा रेक्टा तो वासा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ जो इंटस्ट्रीशियल फ्लूड है उस इंटस्टिशियल फ्लूड का जो ओस्मोलैरिटी है वो कितनी है 300 ऐसे 1200 तक वैरी कर रही है तो यहाँ पर जो हार्मफुल सबस्टांस या फिर जो यूरिया है वो एन है वो निकाल लिए जाएंगे और मैक्सिमम अमाउंट में वॉटर को इसमें डाल दिया जाएगा दूसरा कि जो लूप ऑफ हैंले है लूप ऑफ हैंले के अंदर क्या किया जाएगा कि जो डिसेंडिंग लिम है वो वॉटर के लिए परमिएबल है उससे मैक्सिमम अमाउंट में वॉटर क्या किया जाएगा रीअब्सॉर्ब किया जाएगा तो जब यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में वोटर निकलेगा तो अंदर क्या होगा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बनेगा यहाँ तीन सौ फिर चार सौ फिर 600 सौ फिर नौ सौ फिर बारह सौ मैक्सिमम जो ओस्मोलेरिटी है वो कहाँ पे होगी यहाँ लूप ऑफ फैलने के इस बैंड के ऊपर होगी ये बैंड है जो इसके ऊपर मैक्सिमम ओस्मोलैरिटी होगी बारह अब मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को क्या कर लिया गया रिअब्सॉर्व अब क्या किया जाएगा इसमें से सोडियम और क्लोराइड आयन निकाले जाएंगे तो जो हाइपरटोनिसिटी है वो इनकी वजह से थी और ये बाहर हो रहे हैं इनके बाहर होने की वजह से फिर से ओस्मोलिटी आइसोटोनिक की ओर बढ़ेगी कि यहां से एनएसएल बाहर निकला तो ये सात सौ पे पहुंची फिर एन और बाहर निकला तो चार सौ पे पहुंची फिर एन और बाहर निकला तो दो सौ और बाहर निकला, तो निकला तो सो मिली ओसमोल पे तो एक तरीके से ये किस पे पहुंच गई ओस्मोलैरिटी ये आइसोटोनिक पे पहुंच गई और देखो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट का रिएब्जॉर्प्शन भी कर लिया गया एन को इंटस्टिशियल फ्लूड में फिर से भेज दिया गया ताकि जो इंटस्टिशियल फ्लूड है उसकी क्या रहे ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो दो टाइप से चलेगा टू टाइप्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी में एग्जिस्ट करते हैं एक तो काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज ये कहाँ कहाँ चलेंगे जो काउंटर करंट मैके मल्टीप्लीकेशन है ये तो चलेगा लॉन्ग लूप ऑफ हैलले में और मतलब लूपो फैनले में और ये एक्सचेंज चलेगा वासा रेक्टा के अंदर लॉन्ग लूपो फैनले है वो मल्टीप्लीकेशन करती है मतलब ये क्या करती है ये क्रिएट करती है ग्रेडियंट को जो ऑस्मोटिक वर्टिकल ग्रेडियंट है उसे क्रिएट करेगी और ये जो वासा रेक्टा है उस जो इसने ग्रेडियंट क्रिएट किया है उस ग्रेडियंट को ये क्या करती है मेंटेन रखती है प्रिजर्व रखती है तो जो दो टाइप के मेकेनिज्म है मल्टीप्लीकेशन काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज तो जो मल्टीप्लीकेशन है मतलब कि उसे वो क्रिएट करना है और एक्सचेंज के अंदर क्या होगा कि एक्सचेंज करके वासा रेक्टा के थ्रू से आयंस का वाटर का उस ग्रेडियंट को प्रिजर्व किया जा रहा है तो क्रिएट करने का काम कौन करता है ग्रेडियंट को लॉन्ग लूप और फैनले असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप वासा रेक्टा जो ग्रेडियंट बना है उसके थ्रू आयंस का वाटर का एक्सचेंज करके उसे प्रिजर्व करने का काम करते हैं तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में मल्टीप्लिकेशन है ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू धीरे धीरे जो ओस्मोटिक ग्रेडियंट है हमने ओस्मोटिक ग्रेडियंट बनाया था कि 300 फिर 400 600 900, 900 1200 तो ये ओसमोटिक ग्रेडियंट बनाया जाएगा क्रिएट किया जाएगा और ये कहाँ पर इंटस्ट्रीशियल फ्रूड के अंदर किसकी वजह से लूप ऑफ हैलने की वजह से ठीक है और जो दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज वो वासा की वजह से क्या किया जाएगा प्रिजर्व किया जाएगा अब मेन जो ये हमारा जो टॉपिक है ये इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का है कि ताकि जब ये मेन टॉपिक मैं समझाऊं तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत ना हो आपको आसानी से समझ में आ जाए तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका मेन टॉपिक अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म इन वासा रेक्टा और फिर हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म इन लूप ऑफ हैंडले तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म इन वासा रेक्टा वासा रेक्टा के अंदर तो जो वासा रेक्टा है इनसाइड रीनल मेडुला रीनल मेडुला के अंदर जो ईफ्रेंट आर्टीरियोल है कोर्टिकल नेफ्रोन का वो क्या बनाता है एक पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा जो कि के ट्यूबुल डी सी टी है ऑफ फेनले है, है इसके अराउंड जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है ये इस तरीके से क्या बनाता है इस एक कैपिलरी बनाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा <coughs> किसके अंदर ये होता है कोर्टिकल नेफ्रोन्स के अंदर जो कि ज़्यादा डीप नहीं होते बट जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रोन है उनके अंदर ये ईफ्रेंट आर्ट्रियोल ये इस तरीके से एक कैपिलरी ट्यूब बनाएगा इस तरीके से कैपिलरी ऐसे घूम फिर के पूरे के ऊपर नहीं होगा ये मेनली जो लूप ऑफ है ये क्या है लूप ऑफ हैं ये थीन सेगमेंट ये थिक सेगमेंट ये लूप ऑफ हैंडले है ये वासा रेक्टा ये इस तरीके से मेडुलरी जो डीप नेफ्रोन्स हैं जो ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट है उसके अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट प्रेजेंट होगी और जो ये वासा रेक्टा है इस वासा रेक्टा के थ्रू ओनली पूरी बॉडी का वन टू टू परसेंट टोटल रीनल ब्लड फ्लो होगा इन दोनों लिम के अंदर जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है फ्लो करता है कि इन इस डिसेंडिंग लिम में और असेंडिंग लिम के अंदर जो ब्लड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो ब्लड है वो एंटर करता है रीनल मेडुला के अंदर डिसेंडिंग लिम के थ्रू और वो असेंडिंग लिम के काफी क्लोज होगा और वो असेंडिंग लिम से रीनल मेडुला से बाहर निकलेगा इस टाइम पे क्या किया जाएगा कि इस इंट जो ये यह यहाँ पे इंटस्टिशियल फ्लूड है इस इंटस्टिशियल फ्लूड से जो सोडियम और क्लोराइड आयन है इस सोडियम और क्लोराइड आयन को क्या किया जाएगा इसके अंदर डिफ्यूज़ कर किया जाएगा इंटस्टिशियल फ्लूड से ताकि जो ब्लड है वो कैसा बने हाइपरटोनिक बने पर जैसे ही ये रीनल कोर्टेक्स में से गुजरेगा तो इसके अंदर मेडुलरी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए जैसे भाई यहाँ तो क्या गया ये बारह सौ करना है तो तीन सौ से बारह सौ पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा कि जो इंटस्ट्रीशियल फ्लूड के अंदर सोडियम और क्लोराइड पड़े हैं वो इसके अंदर डाल दो तो ये हाइपोटोनिक हो गया इसकी ओसमोलैरिटी बढ़ गई लेकिन यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है तीन सौ लेके आना है तो इस लिम के अंदर हम क्या कर लेंगे सोडियम क्लोराइड को यहां से बाहर निकाल देंगे तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीशियल फ्लूड का ये ओस्मोलेरिटी है जो ग्रेडियंट है वो क्या रहेगा मेंटेन रहेगा कि यहाँ से तो इसे जब हम डाल देंगे तो सोडियम और क्लोराइड इसके अंदर गया है तो इसकी ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी यहाँ से सोडियम क्लोराइड को वापस ले लेंगे तो जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसकी ओस्मोलैरिटी कम हो रही है तो इस तरीके से ये ओस्मोलेरिटी को मेनटेन करने का काम करेगा दूसरा हम पढ़ते हैं किसके अंदर लूप के अंदर काउंटर करंट जो लूप है उसके अंदर भी क्या है कि ये दो लिम्ब है पहली तो डिसेंडिंग लिंब है डिसेंडिंग लिम्ब कैसी है थिन है और जो थिक इस तरीके से थिक सेगमेंट होगा फिर थिन सेगमेंट होगा असेंडिंग लिम्ब का तो असेंडिंग लिम्ब है ये बैंड है ये असेंडिंग लिम्ब है ये डिसेंडिंग लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब पतली है असेंडिंग पतली और मोटी दोनों तरीके थीन और थिक तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फ्लो करता है इन दोनों लिम्ब के अंदर थ्रू अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो क्या किया जाएगा सबसे पहले तो इसके जो ये वाली लिम्ब है इसमें क्या है फिल्ट्रेट है और फिल्ट्रेट के अंदर क्या है कि एन uh, ए है दूसरे आयंस हैं और साथ में वोटर हैं तो यहां से जब ये 300 से 1200 हमें ये मेंटेन करना है तो मोस्टली इसके अंदर का वोटर क्या कर लिया जाएगा रीअब्जोर्ब कर लिया जाएगा सारा वोटर ऑलमोस्ट वोटर क्या कर लिया जाएगा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा 65 परसेंट वोटर तो पी नहीं कर लिया था जो बचा हुआ है वो यहाँ से नियर अबाउट ट्वेंटी वोटर है यहाँ से रीअबॉर्ब किया जाएगा फिर जब यहाँ से ये बारह सौ तक यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर रिअब्सॉर्व कर लिया गया तो ये कैसा हो गया हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक है तो बारह सौ स्मोलिटी इसकी मेंटेन होगी अब हमें क्या करना है कि इसे फिर से हमें कहाँ भेजना है आइसोटोनिक एनवायरमेंट पे भेजना है तो यहाँ से जैसे ये अब इसके अंदर एन ज्यादा है तो यहां से हमने एनए पॉजिटिव निकाला यहाँ से निकालेंगे क्योंकि जो ये वाला सेगमेंट है ये वॉटर के लिए इम्परमीएबल है तो ये इम्परमीएबल है और क्या किया जाएगा इसके अंदर एक्टिवली सोडियम और क्लोराइड आयन क्या किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा एन प्लस का एंड सी नेगेटिव का ताकि हाइपरटोनिक जो फिल्ट्रेट है उसे बनाया जा सके अब इस सोडियम और क्लोराइड को निकाल लेंगे तो जो है वो क्या होगी कम होगी जब हाइपरटोनिसिटी कम होगी तो ये आइसोटोनिक एनवायरमेंट के ऊपर पहुंच जाएगा कुछ तो क्या क्या जाएगा इस डिसेंडिंग लिम के अंदर से कुछ सोडियम और क्लोराइड आयन पैसिवली डिफ्यूज आउट होंगे और कुछ को एक्टिवली इसके अंदर भेजा जाएगा यहां से ये यह पैसिवली क्या होंगे डिफ्यूज आउट होंगे तो जो साइक्लिक मूवमेंट है ये जो साइक्लिक मूवमेंट है कि यहां से अंदर गए फिर ये बाहर आए तो जो साइक्लिक मूवमेंट है सोडियम एंड क्लोराइड आयन की ये क्या है ये कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या कहलाएगा ये काउंटर कहला करंट मैकेनिज्म और ये हमने बात कर ही ली कि मेडुलरी ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होगा जब जो फिल्ट्रेट है कि भाई जो क्या है नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो एंटर करता है पार्स रेक्टा से लूप ऑफ हैलने के अंदर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैलने से पी से वो एंटर किया डिसेंडिंग लूप ऑफ हैलने में तो वो कैसे नेचर का है आइसोटॉनिक नेचर का है ठीक है ये आइसोटोनिक जो बाहर वाले ये इंडस्ट्रीशियल फ्लूड है ना प्लाज्मा प्लाज्मा के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं प्लाज्मा का जो ओस्मोलरिटी है वो 300 सौ मिली ओस्मोल मानते हैं तो उसके तरह ही ये प्लाज्मा का जैसा इसका आइसोटोनिक नेचर है आइसोटोनिक टू प्लाज्मा फिर जैसे जैसे ये नीचे की ओर मूव करेगा तो इसमें से क्या किया जाएगा सोडियम को अंदर डाला जाएगा क्लोराइड को अंदर डाला जाएगा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा जिसकी वजह से जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसमें यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस आया यहाँ ज्यादा साल्ट है तो यहाँ हाइपरटोनिसिटी बढ़ेगी और इस बैंड पे आके हाइपर सबसे ज्यादा होगी असेंडिंग लिम में क्या किया जाएगा कि कोई भी वाटर का रीअब्जोर्प्शन नहीं होगा साथ में क्यों कि क्यो, क्यों नहीं होगा वाटर का रिओब्जॉर्पन क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो वाटर के लिए इम्परमीएबल है और लार्ज अमाउंट में सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पैसे डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा दोनों तरीके का यूज किया जाएगा और सोडियम को और क्लोराइड को यहां से बाहर निकाला जाएगा जिसकी वजह से कि जब ये ऊपर जाए तो जो आइसोटोनिसिटी है तीन सौ मिली उसमो की वो क्या रहे मेंटेन रहे फिर जो वाटर का रियब है मेनली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो ए डी एच हॉर्मोन क्या करेगा ए डी एच बोल दो या फिर वैसोप्रेसिन बोल दो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसे कौन सीक्रेट आउट करता है जो पिट्यूटरी है पिट्यूटरी स्टोर करके रखती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो इसे क्या करेगी रिलीज करेगी एडीएच और वैसोप्रेसिन को जो एडीएच है वैसोप्रेसिन है ये पीसीटी के ऊपर सॉरी सॉरी डीसीटी के ऊपर काम करेगा और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है थ्रू एक्वापोरिन 2 इसके जी पी सी आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में सारा इसका मैकेनिज़्म समझा रखा है तो जो काउंटर करंट की जो मैकेनिज्म की जो प्रोसेस है वो क्या करती है मेनली आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है आइसोटोनिक फिल्ट्रेट को वो चेंज करती है किसके अंदर हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट के अंदर हाइपरटोनिक यूरिन के अंदर तो करंट मैकेनिज्म का यूज uh, क्या है कि ये इसकी क्या यूजफुलनेस है क्या एडवांटेज है आइसोटोनिक फिल्ट्रेट को ये चेंज करती है हाइपरटोनिक यूरिन के अंदर ठीक है ये कंफर्म uh, है कि जितना लंबा लूपो फैन ले होगा नेफ्रोन के अंदर उसकी इतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन की और मेनली जो लैंड वर्टिब्रेट है मेनली लैंड वर्टिब्रेट जैसे कि बर्ड्स हैं डेजर्ट एनिमल्स हैं मेमल्स हैं उनके अंदर मेडुला में सीटेड नेफ्रोन मिलते हैं और ये मेडुला के अंदर जितने डीप होंगे जितनी इनकी डीपनेस होगी ये उतने ही ज़्यादा हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम आइसोटोनिक फिल्ट्रेट तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज़्म आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं या फिर आपको कोई और दूसरा टॉपिक समझना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग